नमस्ते भाई और बहनों, रेड क्रॉस की तरफ से आपको एक अर्जेंट सूचना ये शेयर करना चाहता हूँ कि राजस्थान भर के कई ज़िलों में भारी तूफान है, कोहराम है। अभी खबर मिली है कि 5 बच्चों सहित लगभग 17 की मौत हुई है, पशुओं को भी पोल गिरने से, कार पर पोल गिरने से जानों का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में फर्स्ट एड टिप आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि चाहे बिजली आकाशी हो, पोल वाली हो या घर की हो, आप बिजली का खतरा भांपने के बाद ही तार को हटाएं या घायल को हटाएं। हाई वोल्टेज मानी जहां 1000 से ज़्यादा वोल्टेज की लाइन है, उसको हटाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। पहली सुरक्षा फर्स्ट एडर की होनी चाहिए। घायल व्यक्ति के देखें कि वो होश में है क्या, श्वास ले रहा है क्या, हाथ पैर हिला रहा है क्या, हाथ पैर अकड़ तो नहीं गए हैं, घाव तो नहीं हुआ है। ऐसे में हम क्या करें कि मेन स्विच ऑफ करें छोटी लाइट का, बड़े पोल की अवस्था में बिजली विभाग को फ़ोन करें, पीड़ित व्यक्ति को हटाने का निर्णय बिजली वालों की राय से लें। जहां पर घाव हो गए हैं, अमूमन बिजली की एंट्री पर और एग्जिट पर घाव होते हैं, तो घाव का फर्स्ट एड है कि ठंडे पानी से धोते रहें, 15 से 10 मिनट तक घाव को धोते रहें। घाव ओपन है तो उसको चद्दर से लपेट दें या पट्टी से लपेट दें। कपड़ों से मरीज को लपेट के तुरंत हायर सेंटर रेफर किया जाए। श्वास नहीं आ रहा है तो CPR किया जाए। हृदय गति या हृदय गति बंद होने का भी इलेक्ट्रिक करंट में बहुत डर रहता है, ऐसे में CPR से हार्ट गति चालू करनी चाहिए। अन्य अपडेट भी हम समय समय पर, बिजली आकाशी हो चाहे पोल की हो चाहे घरेलू हो, इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। मेन स्विच बोर्ड बच्चों की रीच से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि अमूमन छोटे बच्चों की प्रकृति होती है कि वो अपनी छोटी उंगली या कुछ भी बिजली के स्विच में फंसाने की कोशिश करते हैं। आजकल इस तरह के रबर के गुटके आ गए हैं जो बिजली स्विच को ऑफ कर सकते हैं। धन्यवाद।